हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जॉडियक रीडिंग में हम कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो इनका वीक है वो कैसे रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी, गाइडेंस होगी आप लोग के लिए, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कैप्रिकॉर्न, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीजें बहुत स्लो चल रही हैं, है ना? देखती हूँ मैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपकी लाइफ में ना एज ए बैरियर कुछ चीज है, जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो सकता है कि लाइफ के चैलेंजेस की वजह से आप थोड़े से ऐसे हो गए हों, जैसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है ना, तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजंस आपको लाइफ में लेने पड़ रहे हैं, बहुत टफ आपको बनना पड़ रहा है, बहुत जैसे रूड होना आपको पड़ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों है, हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसे चीज़ें हुई हों कि आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हों बहुत जल्दी, और आप ऊपर से दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो, बहुत ज़्यादा कठोर हो, जैसे दिखाता है ना कोई पर्सन कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं बहुत हार्ड हूँ। हो सकता है कि आपका कैरियर इस टाइप का हो कि आपको इन सिचुएशंस में रहना पड़ता हो, पर अंदर से अगर मैं आपके दिल की बात करूँ ना, जैसे नारियल वाली सिचुएशन होती है ना, वो आपके साथ हो रही है। मैं देखती हूँ आगे के कार्ड क्या है। ये वीक भी ऐसा ही रहेगा आपके लिए थोड़ा सा ना, आपको पास्ट याद आएगा और उसकी वजह से आप रूड हो जाओगे, थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे कोई ना कोई न्यू स्टार्ट है। हो सकता है कि आपको लाइफ में जो भी अचीव करना हो ना, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा हार्ड बनना पड़ रहा हो, इतना ज़्यादा कठोर बनना पड़ रहा हो कि आपके जो अपने ही लोग हैं ना, आपको उनको ही जैसे उनके साथ ही आपको काफ़ी टफ बनना पड़ रहा हो। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, पता नहीं क्यों, कि आपके घर वालों को आपसे शिकायतें होती हों, आपके फ्रेंड्स को आपसे शिकायतें होती हों, क्योंकि हो सकता है आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा हो। यहाँ पे एस ऑफ वांड्स कह रहा है कि आपके अंदर नो डाउट बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है, आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हो लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हो, आपको रास्ते भी मिलेंगे। मैं आपको बताऊँ, कोई आपके साथ हो ना हो, यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ हैं, सो ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे यही कहूँगी मैं आपसे, जजमेंट तो खुश हो जाइए अब इस कार्ड को देख के, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको जजमेंट नहीं मिलता है, आपको जस्टिस नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मिल रहा है। एक और चीज़ बताऊँ, ये कार्ड डिवाइन टाइमिंग भी बताता है कि आप चाहे कितने एफर्ट्स कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, पर जो चीज़ का जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, वो तभी होगी। और पता क्या है, कुछ चीज़ें अपने टाइम से ही होना तो ही सही है। हम जल्दीबाजी मचाते हैं, हम थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, पर चीज़ों का अपने टाइम पर ही होना अच्छा रहता है। यहाँ पर डिवाइन आपकी सुन रही है। आप मुझे इस वीक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप एंजल से कनेक्ट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। हो सकता है बहुत सारे लोग अटूनमेंट वगैरह ले रहे हों, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, और मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसा है तो। आपका कनेक्शन डिवाइन से स्ट्रांग हो रहा है ना, जैसे कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके मन में होते थे, आप उनके आंसर जानना चाहते थे, तो ये भी कैसा ही रहेगा आपके लिए, स्पिरिचुअल भी काफ़ी रहेगा। जैसे कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहरी दुनिया से थोड़ा दूर जाओगे, आप जो सफ़र तय करोगे ना अपने अंदर करोगे, ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं। नेक्स्ट इज टू ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली बिजी तो बहुत रहने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ों में आप इंगेज रहोगे इस वीक। बैलेंस मेंटेन करना चाहोगे चीज़ों में, कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में एकदम जैसे बैलेंस बिगड़ रहा है चीज़ों का, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप बहुत हार्डली ट्राई कर पाओ करोगे कि आप जिस भी लेवल तक चीज़ों को मैनेज करना कर सकते हो उस लेवल तक कर सको, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप अगर ढूंढ रहे हो रास्ता तो आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप भटक रहे हो तो नहीं भटकोगे, और इन वाली एनर्जीज में ज़्यादा नहीं रहो।
खुद को खुद ही तकलीफ मत देना अपने पास्ट की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, ना खुद को तकलीफ देना, ना अगर आपके जो भी लव्ड वंस हैं उनको तकलीफ देना। अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो कि कोई पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो, या फिर जैसे आपका झगड़ा हो गया है, आपकी लड़ाई हो गई किसी बात की वजह से, तो वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि इस वीक आपकी उनसे बात हो सकती है, चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं काफ़ी हद तक, एक नतीजे पर आप पहुँच सकते हो। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज मिल रहा है कि आपका जो भी, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो ना, जैसे पास्ट में हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो गई हो तो आपने उनसे बात करना छोड़ दिया हो, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, तो बात करिए, चीज़ों को सॉर्ट करिए। इतना हार्ड बन के खुद को ही आप अंदर से तकलीफ दे रहे हो, है ना। मैं अगर सच में किसी को रियलाइज होता है कि उनने गलती करी है, वो आपको सॉरी बोलते हैं, तो एक चांस आप दे सकते हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है। इस डेक से देख लेती हूँ, मुझे लग रहा है आप बहुत इमोशनल हो रहे हो इस वीडियो को देखते टाइम पे, पता नहीं मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं, जैसे दिल भर रहा है किसी का। कैप्रिकॉर्न, द सन, तो डेफिनेटली क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में और हैप्पीनेस भी आ रही है, खुशियाँ भी आ रही हैं। अगर आप खुशियाँ चाह रहे हो ना आपकी लाइफ में, मेनली आप जो जानना चाहते हो ये कि खुशियाँ कब आ रही हैं, ये वीक आप खुशी फील करोगे, मैं आपको बता दूँ, आप अच्छा फील करोगे। थोड़ा सा बस खुद के साथ भी ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, खुद को तकलीफ मत दीजिए खुद ही, मैं ये कहूँगी। एक और कार्ड ले लेती हूँ। दी सन जब आ जाता है ना, आपका दी सन है, जजमेंट है, आप क्या लोगे, और आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगी। देन वी हैव वॉकिंग अवे। हो सकता है आपको लाइफ में बहुत सारी चीजों से दूर जाना हो, ये वॉकिंग अवे मुझे मैसेज दे रहा है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि वो माफ ना भी करें किसी को, यहाँ पे जो फॉरगिवनेस वाला रहता है ना, वो ना भी करें, वो वॉक अवे करने का डिसाइड करें, बट चॉइस आपकी रहेगी। कोई ना कोई आपको मेजर डिसीजन इस वीक हो सकता है आपको लेना पड़े। इस टाइप से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। कुछ लोग के लिए ये जो वॉकिंग अवे का कार्ड आया है, वो आया है कि फाइनली अब आप वॉक अवे कर रहे हो, जो भी आप सिचुएशन में आप थे ना, आप अपनी खुशियों को चूज कर रहे हो, सही और गलत के बियॉन्ड जाके आपको वॉक अवे कहीं ऐसा है सिचुएशन आपकी लाइफ में कि कोई भी एक रास्ता आप चूज करते हो तो दूसरे रास्ता आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे कि चीज़ों को आप बैलेंस करके दोनों को साथ साथ आप नहीं रख सकते, ऐसी मुझे आप सिचुएशन नज़र आ रही है। पता नहीं ये रीडिंग किससे रेजोनेट करेगी, बट बहुत बस मैं यही करूँगी भगवान जी से प्रे आप लोग के लिए कि वो आपको हिम्मत दें, आपको स्ट्रांग बनाएं, आपको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है। देन वी यहाँ पे अबंडेंस, तो अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। वैसे मैंने पहले ही कहा कि डिवाइन आपके साथ है, परेशान नहीं हुई है और रोइएगा भी नहीं, यही कहूँगी मैं। देन नेक्स्ट इज सक्सेस। अबंडेंस के साथ यहाँ पे सक्सेस है, तो आप किस बात की टेंशन ले रहे हो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, अपने अंदर पेशेंस रखिए, हिम्मत नहीं हारनी है आपको, खुद के साथ सॉफ्ट होना है। आप मेडिटेशन करिए ताकि आपका मन शांत रह सके, आप थोड़े से बैलेंस में रह सकें। अफर्मेशंस का यूज़ करिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए, पॉजिटिव रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सन का कार्ड भी यही कह रहा है कि पॉजिटिव रहिए। ओके गाइस, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।